वीडियो में टीजीटी पीजीटी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो एपी कल्चर से लिए गए हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉमन नेम ऑफ एपिस डॉर्साटा। तो एपिस डॉर्साटा का कॉमन नेम क्या है? तो एपिस डॉर्साटा क्या है? जूलॉजिकल नेम है किसी मधुमक्खी का, तो वो उसका कॉमन नेम क्या होगा वही हमको चूज करना है। तो इंडियन बी, लिटिल बी, सारंग एंड यूरोपियन। तो एपिस डॉर्साटा जो होता है वो जूलॉजिकल नेम है सारंग का, यानी कि जो सारंग होता है इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारंग। तो सारंग को हम लोग जियांट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ एपिस फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया जो होता है ये स्मॉलेस्ट बी है, सबसे छोटी मधुमक्खी जो होती है उसको हम लोग एपिस फ्लोरिया कहते हैं। तो इसका ये किसका कॉमन नेम हो जाएगा? लिटिल बी। अगला, एपिस स्पीसीज बिलोंग टू ऑर्डर। जितने भी एपिस स्पीसीज होते हैं यानी कि एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरिया और एपिस इंडिका, ये सभी किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो इनका जो ऑर्डर है वो है हिम्नोप्टेरा। तो हनी भी अगर देखा जाए तो ये फाइलम किससे आते हैं? आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। लेकिन अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये आते हैं हिम्नोप्टेरा से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ हनी बी क्वीन। यानी कि हनी बी क्वीन जो रानी मक्खी होती है उसका लेंथ कितना होता है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 15 से 20 mm जो होता है वो कौन होता है? क्वीन बी। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज्ड बाई ड्रोन ऑफ हनी बी, ड्रोन ऑफ हनी बी ड्यूरिंग सिंगल मेटिंग इज अबाउट। यानी कि जब सिंगल मेटिंग करता है तो एक ड्रोन एक बार में कितना स्पर्म रिलीज करता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 2 करोड़। यानी कि ये 2 करोड़ क्या करता है? स्पर्म को सिंगल मेटिंग के दौरान रिलीज करता है। अगला, द टोटल नंबर ऑफ एग लेड बाई वन क्वीन बी वन डे। यानी कि एक रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? तो एक दिन में एक रानी मक्खी 2000 अंडे देती है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो एक दिन में जो क्वीन बी होती है कितने अंडे देती है? 2000। और इसके जो तीनों मेंबर होते हैं, ड्रोन, वर्कर एंड क्वीन बी, तो इसमें जो अंडे देने का काम करता है वो केवल क्वीन बी ही करता है। इसी प्रकार से एग रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, द टोटल नंबर ऑफ एग लेड बाई वन क्वीन बी ड्यूरिंग होल लाइफ। यानी कि अपने जीवन काल में एक रानी मक्खी कितने अंडे देती है? तो एक रानी मक्खी अपने जीवन काल में 1,500,000 अंडे देती है। यानी कि एक दिन में 2000 और पूरे लाइफ टाइम में कितना देती है? 1,500,000 अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन हनी। तो हनी में, यानी कि जो हनी होता है जो शहद कहते हैं, शहद में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? डेक्सट्रोज, लेवलोज, माल्टोज, वाटर। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है फ्रैक्टोज, और फ्रैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवलोज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है वही हमको पहचान करना है। तो पहला देखते हैं, हनी बी कन्वर्ट द पोलन इंटू बी वैक्स। यानी कि हनी बी क्या करता है? पोलन को बी वैक्स में कन्वर्ट करता है। नहीं, ये करेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? इनकरेक्ट है। अगला, बी वैक्स इज द नेचुरल सेक्रेशन ऑफ हनी बी। यानी कि जो बी वैक्स होता है, मधुमक्खी मोम होता है, उसको सेक्रेट कौन करता है? हनी बी। तो ये करेक्ट आंसर, यानी कि 9th का जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन, तो अगला पॉइंट दिया गया है, बी वैक्स इज इनसॉल्युबल इन ईथर। तो इसमें गलत दिया है, क्योंकि सॉल्युबल होता है। अब बी वैक्स इज सॉल्युबल इन वाटर, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला, द स्टोर्ड हनी बिकम ग्रेनुलर। ये तो सही होता है कि अगर हम हनी को स्टोर कर देंगे तो उसमें रवे पड़ जाते हैं, यानी कि ग्रेनुलर हो जाता है। डेक्सट्रोज इज द मैक्सिमम इन हनी बी। तो जैसा कि यहाँ पे था एक क्वेश्चन कि हनी बी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लेवलोज। इसमें दे रहा है क्या? डेक्सट्रोज इज द मैक्सिमम इन हनी। तो यही इसमें क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।